दोस्तों मित्रों, अगर आप बेरोजगार हैं और एक कारोबार की तलाश में हैं, आपके पास पैसे पूंजी भी बहुत कम है और बहुत ज़्यादा आप सक्षम नहीं हैं, बहुत पैसे खर्च करने के मूड में भी नहीं हैं, लेकिन आप एक कम से खर्च करके जो है और अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं। बहुत सारा काम ऐसा है जो बहुत बड़े बड़े कारोबार हैं जो कि 5 लाख 10 लाख से इन्वेस्टमेंट करके जो है किए जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हमारे भाई बंधु हैं कि जिनके पास जो है पैसे की बहुत किल्लत है, जो है पैसे उनके पास एकदम समझ लीजिए कि है ही नहीं जो है। तो आपसे मैं यही कहूँगा, हरी सब्जी का बिजनेस बहुत बेहतरीन है और मात्र आप जो है 25 से 50 हज़ार रुपये की कीमत में जो है एक बेहतरीन आलीशान जो है सब्जी की दुकान आप लगा सकते हैं और डेली जो है आप जो है 3 से 5 हज़ार रुपये आप आमदनी कर सकते हैं। अगर आप 50 हज़ार 60 हज़ार रुपये की लागत में अगर आपकी सब्जी की दुकान होगी तो डेली जो है 3 हज़ार 4 हज़ार रुपये आमदनी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको मार्केट में, आप जिस भी मार्केट में रहते होंगे, आपको 10 फुट 10 बाई 10 के ज़मीन की ज़रूरत होगी जो आपको के मार्केट में ऐसे जगह पे जो है अपने दुकान के लिए जो है 10 बाई 10 की ज़मीन लीजिए जहाँ पे पहले से 10 5 7 10 जो है सब्जी की दुकानें मौजूद हों। और आपको इससे ये होगा कि जहाँ पे पहले से 10 5 सब्जी की दुकानें मौजूद होती हैं वहाँ पे आपको ग्राहक आपको आसानी से मिल जाएगा। और सब्जी की दुकान इतना गेटअप उसका बढ़िया बनाइए और इतने अच्छे अंदाज से जो है सब्जी की दुकान लगाइए कि जो आपके कस्टमर आपके सामने, आपके दुकान के सामने आए, वो खूब आकर्षित हों। खूबसूरत जो है अपनी शॉप लगाइए जो है। अब इसमें यह है कि आपको कितने क्वांटिटी में कौन कौन सी सब्जियां रखनी होगी, आज इस पे जो है थोड़ा सा हम गुफ्तगू करेंगे जो है। देखिए, आपको 2 किस्म का आलू रखना होगा, एक सफ़ेद वाला एक लाल वाला, वो 2 क्वालिटी का जो है 50 50 kg का बोरा होता है, 50 52 53 kg का होता है, 2 बोरा तो आलू रखना होगा। अच्छे क्वालिटी का जो है 1 बोरा आपको प्याज रखना होगा, 5 किलो लहसुन रखना होगा, 5 किलो अदरक रखना होगा और 5 किलो 10 किलो हरा मिर्च रखना होगा। और कम से कम जो है आप जो है जब शुरुआती दौर में बिजनेस स्टार्ट करें तो जो जो भी हरी सब्जियां आप खरीदें तो 5 kg ही खरीदें। जैसे आपको परवल लेना है तो 5 kg 10 kg ले लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 kg, और आपको बोरो लेना हो तो उसको जो है 5 kg। गोभी का सीजन हो तो गोभी के फूल जो है 40 से 50 पीस, और जो है पात गोभी हो तो जो है 10 से 15 20 पीस 20 पीस, यानी कि मटर वगैरह जो है 1 बोरा, यानी कि जो भी सब्जी आप खरीदें जो है कम मात्रा में खरीदें और खूब अच्छे तरीके से। लकड़ी का टोकरी होता है, आप एक साइड में टमाटर लगा दीजिए, उसके बाद जो है लहसुन लगा दीजिए, इसके बाद अदरक लगा लीजिए, एक साइड में जो है मिर्च वगैरह लगा लीजिए, खूब अच्छे तरीके से सब्जी अपने शॉप पे सजा दीजिए। और इसके बाद जो है आप जो सब्जी की खरीदारी है, देखिए हर मार्केट में आजकल प्रचलन हो चुका है सब्जी की गाड़ियाँ आती हैं। अगर आप सब्जी की गाड़ियाँ आती हैं जो होलसेलर सब्जी वाले होते हैं वो गाड़ी लेके आते हैं और वो हर दुकान दुकान जो है सब्जी को सेल करके जाते हैं, तो आप गाड़ी वाले से भी सब्जी ले सकते हैं। अगर गाड़ी वालों से सब्जी आप नहीं ले सकते हैं तो आपके नज़दीकी जो सब्जी मंडी है, जैसे हर शहरों में जो है हर बड़े बड़े मार्केटों में सब्जी मंडियाँ होती हैं, और सब्जी मंडियों में जो है जो सब्जी मंडी जो लगती है वो रात को कहीं पे जो है 8 बजे से लेके 12 बजे रात तक लगती है, कहीं पे जो है 2 बजे 2:30 बजे रात को लगती है, कहीं पे मंडी सुबह में भोर में लगती है। तो आपको जो है अपने सब्जी मंडी में जाना है और सारी सब्जियों को जो है इसी हिसाब से जो है खरीदारी करके लाना है। और देखिए इसमें मार्जिन भी बहुत बढ़िया है, दूने का मार्जिन है,
अब जैसे मान लीजिए कि आपने भिंडी लिया, तो भिंडी अगर आपको 10 रुपये किलो मिल गया तो आसानी से 20 रुपये किलो इसको बिकना है। अगर आपने परवल ले लिया 40 रुपये के जी, तो आसानी से इसको 70 रुपये 80 रुपये बिकना है। अगर आपने जो है जो प्याज और आलू होता है उससे 10 से 20% जो है फ़ायदा होता है। बाकी जो सब्जियां होती हैं बहुत अच्छा फ़ायदा होता है इसमें, और बिक्री के हिसाब से। हाँ देखिए, ये है कि अब एक ग्राहकों का प्रलोभन भी होता है। आप जब ग्राहक आपसे फुटकर में सब्जी लेने आए तो थोड़ा मिर्च है, और इसके बाद जो है धनिया धनिया की पत्ती वगैरह है उनके सब्जी में जो है ऐसा ही जो है थोड़ा थोड़ा जो है अगर आप डाल देंगे तो आपके ग्राहक जो है आपसे आकर्षित होंगे, और खूब सुंदरता से जो है अगर आप लगाएंगे तो आप खूब जो है अच्छे तरीके